हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पता है कि हम इस वक्त स्टाफिंग पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट का एक यूनिट है। सो पिछले दो वीडियोस में सबसे पहले था स्टाफिंग और उस नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। द सेकंड वाज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और कुछ टर्म्स आ गई वहां पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिक्रूटमेंट। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, लेकिन अब इसके हम डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम पढ़ेंगे। सो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि आप ये मोटिवेट करता है लोगों को कि आप हमारी कंपनी में आइए और अप्लाई करें। ठीक है, सिलेक्ट नहीं करते हैं हम एम्प्लॉयज को, जो भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें हम करते हैं मोटिवेट, आप हमारी कंपनी में आइए और अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे बेटर पे है या बेटर वर्क कल्चर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो व्हाट द रिक्रूटमेंट इज, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे टू अप्लाई फॉर ए पर्टिक्यूलर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका मेन मकसद होता है कि कंपनी को आप बहुत सारा सोर्स दे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स दे, जिससे वो सिलेक्ट करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, क्योंकि ये लोगों को कहती है कि अप्लाई करें। इन शॉर्ट, अगर आपको कोई कहे कि वॉट इज रिक्रूटमेंट, आप उसे जवाब देंगे कि रिक्रूटमेंट हम मोटिवेट करते हैं लोगों को हम मोटिवेट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में आए, अप्लाई करें किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा था। नाउ आज का टॉपिक है, दैट इज सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट? द फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्स एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल सोर्स। देखिए, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, हमारी कंपनी में एक पोस्ट निकला, लेट इट बी मैनेजर का पोस्ट। किसका पोस्ट निकला? मैनेजर का। अब ये पोस्ट हमें फिल करना है, क्योंकि हम स्टाफिंग पढ़ रहे हैं ना। अब हमें मैनेजर का पोस्ट फिल करना है। ऑलरेडी जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे उसी में से किसी सीनियर को उठाएंगे और उसे मैनेजर बनाएंगे, समझना। ऑलरेडी जो हमारे पास एम्प्लॉयज होंगे उसी में से हम किसी को उठाएंगे जो कि सीनियर होगा, मतलब जो ये पोजीशन संभाल सकता है, तो उसे हम ये पोस्ट देंगे। तो हमने ये पोजीशन फिल की विद द इंटरनल एम्प्लॉयज, इसे कहते हैं इंटरनल सोर्स। क्या कहते हैं? इंटरनल सोर्स। या अगर हमें ये लगा कि इसमें से ऐसा कोई क्वालिफाइड नहीं है जो कि मैनेजर बन सकता है, तो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, बाहर से किसी बंदे को लाते हैं, बाहर से किसी बंदे को लाते हैं तो उसे ये पोस्ट देते हैं बाहर से। तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स है, वो भी हम पढ़ेंगे। सो हम रिक्रूट कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। चलो पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं, व्हाट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मैं आपको बताता हूं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वन वेयर द मैन पावर सप्लाइज आर ऑब्टेन्ड आउट ऑफ द स्टाफ ऑलरेडी। देखिए, हम लोगों को कहते हैं कि नहीं, हमारे पास 100 एम्प्लॉयज है, हमने 100 के 100 एम्प्लॉयज को कहा कि इसके लिए एक एग्जाम देना है, अगर आप वो पास करोगे आप मैनेजर की पोजीशन हासिल कर सकते हो। तो दिस सोर्स इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। क्या कहते हैं आप? इंटरनल सोर्स। इज इट क्लियर? सो मैंने क्या कहा, जहां पे आप मैन पावर लाते हो, कहां से? ऑलरेडी जो आपके पास स्टाफ है उससे। इज इट क्लियर? Now, what is the external source of recruitment? External जो है वो आप लाते हो, where the manpower supplies are obtained out from the external environment. From the external environment. शायद समझ नहीं आया, मैंने कहा था कि एक पोस्ट निकला। सर पोस्ट क्या था? पोस्ट था मैनेजर। अब इस मैनेजर के लिए मैंने कहा जो मेरे पास ऑलरेडी स्टाफ था, ऑलरेडी उन्हें कहते हैं इंटरनल, मैंने उन्हें कहा कि आप इसके लिए अप्लाई करो, क्या पता आप में से कोई इसे मतलब इस पोजीशन पे आए, उसे हम कहते हैं इंटरनल सोर्स। क्या कहते हैं? इंटरनल सोर्स। हाँ, अगर हम एडवर्टीजमेंट करें या किसी जगह जाए कैंपस रिक्रूटमेंट करें, हम कहेंगे कि एक पोस्ट है मैनेजर का, आप अप्लाई करें, इसके लिए एक एग्जाम है, मतलब बाहर के लोगों को, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड
external source of recruitment. So there are two source of recruitment. First one is internal and the second one is external. What is internal source of recruitment? Internal source of recruitment is one where the manpower supplied, jo manpower aayega, वो कहां से आएगा बेटा? वो आएगा आपको ऑलरेडी जो स्टाफ वर्क करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, सेकंड वन, जो सेकंड है ना, सेकंड मैंने कहा कि जो मैन पावर आप लाते हो वो आप स्टाफ में से नहीं लाते हो, वो आप लाते हो फ्रॉम द एनवायरमेंट. कि जहां पे मतलब इंडिया में ही किसी भी जगह आप एडवर्टीजमेंट करते हो या कुछ एफबी पे देते हो, सोशल मीडिया पे देते हो कि हमें मैनेजर की जरूरत है, आप आई हमारी कंपनी में अप्लाई करें. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, जो इंटरनल होता है ना, इंटरनल सोर्स में क्या क्या आता है? इसमें आता है प्रमोशन. प्रमोशन अभी पढ़ाऊंगा. ट्रांसफर, या आता है रीएम्प्लॉयमेंट. तीन चीजें पढ़नी है, या आगे जाके बनेगा मेथड्स. ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? आप किसी इंसान को, फॉर एग्जाम्पल आपका था बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर से बनाइए डिविजनल मैनेजर. ठीक, बैंक मैनेजर को बनाया आपने डिविजनल मैनेजर. ठीक, मतलब किसी डिविजन का मैनेजर. ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आप कहाँ से लाते हो? आप करते हो एडवर्टीजमेंट. क्या करते हो? एडवर्टीजमेंट वहां से लाते हो, और कैंपस रिक्रूटमेंट या प्लेसमेंट एजेंसीज, ये भी आप पढ़ोगे. ठीक, नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. मैंने ये पहले ही पढ़ाया, क्योंकि जो एवरेज बच्चे हैं ना वो इतना ही लर्न करेंगे. कहाँ तक? रिक्रूटमेंट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वो यहाँ तक ही लर्न करेंगे. बाकी जो होंगे, जो चाहते हैं कि अच्छा स्कोर हम लाएं, वो पूरा वीडियो देखेंगे. ठीक है, सो डिफरेंस क्या है? सबसे पहला है, मैंने बनाया एक चार्ट, बेसिस इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स. रिक्रूटमेंट होती है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट होती है फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. हम कहते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरनल, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एक्सटर्नल. आई होप यहां तक समझ आया आपने. नेक्स्ट वन देखिए, इसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपको पता है भाई सीनियर है, इसी को मैनेजर बनाओ, टाइम कम लगेगा. यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा. आपने पहले एडवर्टीजमेंट करना है, उसे फिर देखना है उसका बिहेवियर, मतलब उसकी पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो आपको देखना है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा. ऑलरेडी आपके पास स्टाफ है तो उसमें टाइम कम लगेगा, और अगर आपने एक्सटर्नल से लाना है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है, हो गए दो. थर्ड वन, देयर इज लिमिटेड चॉइस. से यू आर हैविंग 100 एम्प्लॉइज, आउट ऑफ 100 आपने सेलेक्ट करना है एक को, तो चॉइस है सिर्फ 100 में से, दैट इज लिमिटेड. यहाँ पे पूरा यूनिवर्स आपके पास है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जॉब पे. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे लिमिटेड चॉइस है अमंग द प्रेजेंट एम्प्लॉइज. देयर इज अ वाइड चॉइस फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. इज इट क्लियर? हो गए तीन. द फोर्थ वन इज, इट इज इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इसमें खर्चा कम लगेगा. क्यों? आपने एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, आपने इंडक्शन प्रोग्राम नहीं करना है. इंडक्शन प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी पढ़ाया कि आप नए एम्प्लॉय को कराते हो इंट्रोड्यूस विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय. सिंस ये तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, आपको इंडक्शन प्रोग्राम नहीं करना है, आपने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना है. और इट इज एक्सपेंसिव, इट इन्वॉल्व टाइम, एक्सपेंस एंड रिसोर्सेज. ओके, नाउ इट इज जनरली बेस्ड ऑन सीनियोरिटी. जो सीनियर होता है उसी को हम आगे लेते हैं, लेकिन ये जो ये होता है ये बेस्ड ऑन मेरिट, मतलब जो जितना क्वालिफाइड है उससे उतना जॉब मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस है सीनियोरिटी पे, और ये बेस है किस पे? मेरिट और क्वालिफिकेशन पे. ठीक, नाउ इट इज सूटेबल फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली. ये किसके लिए सूटेबल है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट है. ठीक है, क्योंकि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? हम लाते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर मस्ट बी ऑर्गेनाइजेशन. समझ आया? ओके, अब यहां पे है ना, इट इज सूटेबल फॉर बोथ न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. ख्याल रखना बेटा. नाउ मेथड, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड द लाइक, कैंपस प्लेसमेंट, वेब पब्लिशिंग, और ये. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ख्याल रखे बेटा. ओके, जो एवरेज बच्चे हैं वो यहाँ तक लर्न कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक,
दैट इज के इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसकी एडवांटेज और इसकी डिसएडवांटेज। सबसे पहले इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा है आपका? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मुझे बताएं इसका मेरिट, मेरिट का मतलब एडवांटेज, इसकी एडवांटेज क्या है? सबसे पहली एडवांटेज जो है, इट इज इकोनॉमिक। इज इट क्लियर? ओके, नो सेपरेट इंडक्शन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई इंडक्शन प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, एडवांटेज है। लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, खर्चा कम लगेगा ट्रेनिंग में, क्योंकि ऑलरेडी जो एम्प्लॉय है वो ट्रेन्ड है, ठीक। इट ब्रिंग्स लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज, लॉयल्टी कैसे होगी? देखिए, जब एक एम्प्लॉय, जब उसे टाइम हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, आपने उसे मैनेजर बनाया, बाकी जो एम्प्लॉयज है ना वो कहेंगे हम भी अच्छे से काम करेंगे और हम भी मैनेजर बनेंगे, सो वो हो जाएंगे लॉयल टुवर्ड्स कंपनी। ओके, इट एस्टैब्लिश बेटर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जब आप लॉयल हो सो देयर इज गुड रिलेशन। अब याद रखना, इसका जो ये ना एडवांटेज है इंटरनल सोर्स, यही बनेगा डिसएडवांटेज किसका? एक्सटर्नल। किसका बनेगा? एक्सटर्नल का। देखिए बेटा, यहां पे है ये इकोनॉमिकल, इट इज एक्सपेंसिव, कौन है ये? मगर डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ख्याल रखना, ठीक है? इट इज एक्सपेंसिव, समझ आया? क्यों है एक्सपेंसिव? एडवर्टीजमेंट में खर्चा लगेगा, इंडक्शन प्रोग्राम में खर्चा लगेगा, सेपरेट इंडक्शन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। यहां पे क्या था? नो सेपरेट इंडक्शन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। यहां पे क्या कहा मैंने? यहां पे इंडक्शन प्रोग्राम की रिक्वायर्ड है, ये बनेगा डिफरेंस और एक पॉइंट। ओके, ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, और यहां पे क्या कहा मैंने? ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, ये था ना, इट ब्रिंग्स लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉइज, इट ब्रिंग्स डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। जब आपने मैनेजर लाया बाहर से, आप कहते बाकी एम्प्लॉइज कहते हैं हम क्या है, क्या हमें काम नहीं आता, क्या हम इस लायक नहीं थे, कंपनी ने हमसे नहीं पूछा। सो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? ये डिससेटिस्फेक्शन लाता है अमंग एम्प्लॉइज। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, दिस वॉज मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ मेरिट ऑफ एक्सटर्नल, मेरिट मीन्स एडवांटेज, मेरिट्स, ठीक है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की जो एडवांटेज होगी वो क्या होगी? सबसे पहले हमारे पास वाइडर चॉइस है। वाइडर चॉइस मीन्स कि इंटरनल सोर्स में लिमिटेड चॉइस है, एक्सटर्नल सोर्स में वाइडर चॉइस है। वी आर हैविंग होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स से हम ला सकते हैं किसी ना किसी को, ठीक है? ओके, इसके बाद सूटेबल फॉर बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू फ्रेश एंड न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन, नए आइडियाज आ सकते हैं क्योंकि नया स्टाफ आ सकता है। ओके, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज विल वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटेंट। याद रखिये बेटा, मैंने क्या कहा? मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो इससे क्या है, जब कंपनी एम्प्लॉइज को पता चला कि नहीं ये बाहर से लाते हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है ना वो भी काम करने लगेंगे अच्छे से, ताकि हम ही को लेंगे, ठीक है? तो वो कॉम्पिटेंट बन सकते हैं। इसके बाद इसके जो एडवांटेज है वो बनेंगे इसके डिसएडवांटेज। इज इट क्लियर? यहाँ पे वाइडर चॉइस था, यहाँ पे लिमिटेड चॉइस है, यहाँ पे सूटेबल था बोथ, नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों नहीं है सूटेबल? क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, समझ आ रहा है? तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता। ओके, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फ्रेश आइडिया नहीं आ सकता क्योंकि इट्स इंटरनल। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मे रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, जब एक एम्प्लॉय को आप ट्रांसफर करोगे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो उसे लगेगा कि नहीं शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, फिर वो कहेगा मुझे ट्रांसफर करते ही यहाँ पे, तो वो अपना काम 100% फोकस काम पे नहीं कर सकता है। दिस वॉज द व्हाट यू से मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ओके,